हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी अंडरस्टैंड क्लास फिफ्थ साइंस टर्म थर्ड चैप्टर फर्स्ट आवर नर्वस सिस्टम। टुडेज आवर टॉपिक आर नर्वस सिस्टम, द स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, रिफ्लेक्स एक्शन और सेंस ऑर्गन। इन सारे टॉपिक के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। नेम दिस ऑर्गन्स एंड द सेंस एसोसिएटेड विथ ईच ऑफ देम। आपको ये जो सेंस ऑर्गन दिए हैं इनके नाम बताना है और ये किस चीज़ में उपयोग में लिए जाते हैं वो भी आपको बताना है। सबसे पहले हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम की। द नर्वस सिस्टम इज द हाईवे लॉन्ग विच आवर ब्रेन सेंस एंड रिसीव्स इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द बॉडी एंड अराउंड इट। नर्वस सिस्टम वो सिस्टम है जिसकी हेल्प से हमारा जो ब्रेन जो है वो मैसेज सेंड करता है और रिसीव करता है, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको सेंड करना और रिसीव करना कि हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है और हमारे बॉडी के आसपास क्या हो रहा है, उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन जो है वो नर्वस सिस्टम की हेल्प से ही सेंड करता है। द ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। हमारा जो नर्वस सिस्टम जो है वो किससे बना हुआ है? ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से और नर्व्स से, इन सब चीज़ों से मिलकर। टुगेदर द सिस्टम हेल्प आवर सेंस ऑर्गन टू कम्युनिकेट एंड अलाउ आवर ब्रेन टू कंट्रोल व्हाट। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो हमारे सेंस ऑर्गन के साथ में कम्युनिकेट करता है और हमारे ब्रेन को ये अलाउ करता है हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन के ऊपर कंट्रोल बना के रखे कि हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हमारे जो नर्वस सिस्टम का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है द ब्रेन, उसके बारे में हम बात करते हैं। द ब्रेन इज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी एंड इट सिट्स इन आवर स्कूल एट द टॉप ऑफ आवर स्पाइनल कॉर्ड। हमारा जो ब्रेन जो है वो क्या है? कंट्रोल सेंटर है, यानी कि पूरे बॉडी में जो भी होता है वो उसको कंट्रोल कौन करता है? हमारा ब्रेन यानी कि दिमाग। और ये कहाँ होता है? हमारा जो स्कूल जो है यानी कि ऊपर सबसे शरीर में सबसे ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ पे। द ब्रेन हैज थ्री मेन पार्ट्स। ब्रेन के तीन मेन पार्ट होते हैं, वो है कैरेबियम, कैरेब्रम और मेडुला। ये जो है ये क्या है? तीन मेन पार्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कैरबेलम। कैरबेलम क्या है? इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट मूवमेंट ऑफ द मसल्स लाइक द वॉकिंग और स्विमिंग द आर्म्स। ये क्या करता है? हमारी जो मसल्स होती है उसके मूवमेंट को कंट्रोल करता है, जैसे कि आप चलते हो, तैरते हो, है ना, हाथ पैर हिलाते हो, ये सारी चीज़ें। इसमें जो मसल्स का जो कंट्रोलेशन जो रहता है, मूवमेंट जो रहता है, वो किसके हाथ में रहता है? कैरबेलम के हाथ में। अब कैरब्रम, कैरब्रम क्या है? इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये ब्रेन का सबसे बड़ा वाला हिस्सा होता है, आप देख सकते हो डायग्राम में दिया हुआ है कैरब्रम। इट हैज मेनी ग्रोव्स एंड फॉल्स सो इट लुक्स लाइक अ वॉलनट। इसमें बहुत सारे ग्रोव्स होते हैं और फॉल्स होते हैं, इसलिए ये कैसा दिखाई देता है? वॉलनट के जैसा दिखाई देता है। इट रिसीव्स मैसेज फ्रॉम साइट, टच, हियरिंग एंड टेस्ट। इसमें कौन सा मैसेज रिसीव होते हैं? आप देखते हैं, किसी भी चीज़ को टच करते हैं, सुनते हैं या फिर टेस्ट करते हैं, वो सारे मैसेज यहीं पर रिसीव होते हैं। इट आल्सो कंट्रोल्स मूवमेंट, स्पीच, लर्निंग, इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी। और ये किस चीज़ को कंट्रोल करता है? आप जो मूवमेंट करते हो उसको, आप जो बोलते हो, आप जो लर्निंग करते हैं, आप कितने इंटेलिजेंट हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो सारी चीज़ों का कंट्रोलेशन किसके पास रहता है? कैरब्रम के पास। नेक्स्ट आता है हमारा मेडुला ओब्लॉन्गाटा। इट सो कॉल्ड अ ब्रेन स्टेम। इसको ब्रेन स्टेम भी कहा जाता है। द मेडुला ओब्लॉन्गाटा कनेक्ट द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या करता है? ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है। इट कंट्रोल्स अ लॉट ऑफ ऑटोमेटिक एक्शंस ऑफ द बॉडी सच एज ब्रीथिंग एंड हार्ट बीट। ये क्या करता है? जो ऑटोमेटिक फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि ब्रीथिंग करना, हार्ट बीट, है ना, इन सबको कंट्रोल कौन करता है? ये करता है। फैक्ट फाइल, द फ्रंट ऑफ आवर ब्रेन इज द लार्जर देन देट एनी अदर एनिमल्स। हमारे ब्रेन का जो फ्रंट होता है वो सबसे बड़ा होता है किसी भी एनिमल के कंपेरिजन में।
द लेफ्ट साइड ऑफ आवर ब्रेन इज यूजली बेटर एट द प्रॉब्लम सॉल्विंग, और हमारे ब्रेन का जो लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में हेल्प करता है। द राइट हैंड साइड ऑफ ब्रेन इज क्रिएटिव एंड हेल्प अस टू गुड एट आर्ट और म्यूजिक, और हमारी ब्रेन का जो राइट हैंड साइड है वो हमको क्रिएटिव बनाता है और हमको आर्ट और म्यूजिक में हेल्प करता है। क्वेश्चंस दिए गए कुछ, विच पार्ट कनेक्ट द ब्रेन टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, कौन सा पार्ट ब्रेन को कनेक्ट करता है बॉडी के दूसरे पार्ट से। सेकेंड क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल ब्रीथिंग एंड हार्ट बीट, ब्रेन का कौन सा पार्ट ब्रीथिंग और हार्ट बीट को कंट्रोल करता है वो बताना आपको। नेक्स्ट हमारा आता है स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। द स्पाइनल कॉर्ड इज अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डेट एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द ब्रेन टू द लोअर एंड ऑफ द स्पाइन, इट कॉन्सिस्ट ऑफ द नर्व्स एंड कैरी मैसेजेस बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी, इट इज ऑल्सो द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स सच इज द नी जर्क रिफ्लेक्स। ये जो होता है स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड क्या माना जाता है, बेस माना जाता है हमारी बॉडी का, मतलब जितने भी जो मैसेज रिसीव और ट्रांसफर जो होते हैं बॉडी में वो किसकी हेल्प से होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड की हेल्प से होते हैं। और ये किससे बनी हुई रहती है, नर्व्स से बनी हुई रहती है, नर्व्स जो होती है उससे बनी हुई रहती है। और ये क्या करती है, ब्रेन को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा कनेक्ट करती है। अब ये देख सकते हैं डायग्राम में, ये ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है। नेक्स्ट हमारा आता है नर्व्स। अब नर्व्स क्या होता है, द नर्व्स आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डेट फॉर्म अ नेटवर्क कवरिंग ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी। नर्व्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि धागे के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि क्या करते हैं, नेटवर्क कवरिंग का काम करते हैं बॉडी में, पूरे पार्ट्स में, बॉडी के पूरे पार्ट्स में। दे कैरी मैसेज बिटवीन द ब्रेन एंड द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, ये क्या करता है, मैसेज को ट्रांसफर करने का काम करता है ब्रेन में, बॉडी के दूसरे पार्ट्स से लेकर ब्रेन तक और ब्रेन से लेकर दूसरी बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक। देयर आर द थ्री काइंड्स ऑफ द नर्व्स, तीन तरीके की नर्व्स होती है, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व एंड मिक्स नर्व, ये तीन तरीके की नर्व होती है। तो सेंसरी नर्व क्या होती है, दिस नर्व सेंड इंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम ऑल आवर सेंस टू द ब्रेन। ये जो नर्व है ये क्या करती है, हमारी बॉडी के सारे सेंस ऑर्गन जो है उनसे मैसेज जो ट्रांसफर मिलते हैं उनको कहाँ तक, ब्रेन तक पहुँचाने का काम करती है। फिर मोटर नर्व, दिस नर्व्स कैरी मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल्स और ग्लैंड्स, ये क्या करती है, ब्रेन से जो मैसेज होते हैं उनको मसल्स तक और ग्लैंड्स तक पहुँचाने का काम करती है। मिक्स्ड नर्व, एज द नेम सजेस्ट द मिक्स्ड नर्व आर इन्वॉल्व इन कैरिंग मैसेज टू द ब्रेन एंड कैरिंग अदर ऑर्डर फ्रॉम द ब्रेन, ये क्या करती है, मैसेज ब्रेन से मैसेज ट्रांसफर करती है दूसरे पार्ट तक और उसके बाद में ब्रेन से ऑर्डर भी पहुंचाती है कि आपके कौन सा पार्ट क्या वर्क करेगा, आपका दूसरा पार्ट जो है, अदर पार्ट जो है, ऑर्गन्स जो है आपकी बॉडी के, वो क्या क्या वर्क करेंगे, कौन सा क्या वर्क करेगा, वो सारे ऑर्डर कौन ट्रांसफर करता है, ब्रेन ट्रांसफर करता है। तो ये मिक्स्ड नर्व की हेल्प से ही ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, सम टाइम वी नीड टू मूव फास्ट डेट अवर ब्रेन डज नॉट हैव टाइम टू थिंक, बहुत सी बार हम क्या होते हैं इतने फास्ट मूवमेंट करते हैं कि हमारे ब्रेन के पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि वो उस चीज़ के ऊपर सोच पाए, सो आवर बॉडी जस्ट हाइपोसेस द ब्रेन, दिस हैपन्स वेन वी टच समथिंग हॉट, आवर हैंड एक्चुअली मूव्स बिफोर द ब्रेन टेल्स इट टू डू सो। देखो मान लो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी बॉडी में जो कि ब्रेन के पास इतना सोचने का समय ही नहीं रहता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हो जाती है, मान लीजिए हमने एक गर्म पानी है या फिर गर्म बर्तन है उसको हमने टच कर लिया, तो अब क्या होगा, ब्रेन के पास इतना समय ही नहीं रहता है कि वो क्या करे, उससे पहले हम हाथ हटा लेते हैं। द ब्रेन इवेंचुअली फाइंड आउट व्हाट इज गोइंग ऑन बट आवर बॉडी हैज डन द स्मार्ट थिंग्स एंड मूव्स फर्स्ट, ब्रेन जो है वो इस चीज़ के ऊपर उसको इस चीज़ को फाइंड आउट कर लेता है कि आपकी बॉडी में हो क्या रहा है, बट उसके पहले ही आपकी जो स्किन जो है या फिर आपने जो हाथ जो है वो आप क्या कर लेते हो, वहाँ से हटा लेते हो। सच एक्शन आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, इस तरीके की एक्शन क्या कहलाती है, रिफ्लेक्स एक्शन कहलाती है, एंड दे आर कंट्रोल
बाय द स्पाइनल कॉर्ड, और ये किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल की जाती है। द पाथवे डेट कंट्रोल्स अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्ट आर्क। वो पाथवे जिसमें रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल किया जाता है वो क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स आर्क कहलाता है। तो ये हो गया रिफ्लेक्स एक्शन। अब आते हैं सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन क्या होते हैं, द आई द ईयर्स द नोज द टंग एंड द ब्रेन स्किन आर अवर सेंस ऑर्गन। ये सारे क्या है, हमारे सेंस ऑर्गन है। दे कीप अस इन टच विद आउटसाइड वर्ल्ड, ये हमको बाहर की जो दुनिया है उसको देखने में, उनको टच करने में, उसको फील करने में मदद करती है। तो सबसे पहला आई यानी कि आँख। आँख क्या होती है, द आई इज अ ऑर्गन ऑफ अ साइट और विजन। आँख जो है वो ऐसा ऑर्गन है जो कि देखने के लिए यूज में लिया जाता है। इट हेल्प अस सी थिंग्स इन आवर सराउंडिंग, ये हमारे आसपास जो चीज़ें प्रेजेंट है उनको देखने में मदद करता है। द आईलिड्स एंड आईलेसेस प्रोटेक्ट द आईज फ्रॉम द डस्ट एंटरिंग इन टू द आईज। हमारे जो आईलिड्स होते हैं और आईलेसेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी आई को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि उसके अंदर डस्ट नहीं जाए। द आईबॉल इज सेफली सेट इन द डिप्रेशंस इन द स्कूल कार्ड ऑर्बिट। हमारा जो आईबॉल जो है वो बिल्कुल किसके स्कूल के अंदर पूरा सेफली सेटल्ड है जिससे कि उसको किसी तरीके का नुकसान नहीं होगा। द मेन पार्ट ऑफ द आई आर डिस्कस्ड बिलो, जो मेन पार्ट होते हैं आई के वो यहाँ पे दे रखे हैं। जैसे कि सबसे पहले दिया हुआ स्केलेरा। द स्केलेरा इज टॉट एंड वाइट कवरिंग डेट प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द आई, इट इज नोन एज द वाइट ऑफ द आई। आपने देखा होगा आपके आई के अंदर जो वाइट कलर का जो पार्ट पाया जाता है वो क्या कहलाता है, स्केलेरा पाया जाता है। ये क्या करता है, इनर पार्ट को प्रोटेक्ट करता है। आपके आंखों में जो सफेद सफेद दिखाई देता है वो यही होता है। नेक्स्ट आता है कॉर्निया। द कॉर्निया इज द ट्रांसपेरेंट लेयर ऑफ द स्किन स्प्रेड ओवर द प्यूपिल एंड द इरिस। ये जो कॉर्निया जो होता है ये क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है स्किन की जो कि किसके ऊपर रहती है, प्यूपिल और इरिस के ऊपर। अब इरिस क्या होता है, द इरिस इज अ कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई। इरिस क्या है, जो कलर्ड पोर्शन जो हमारी आंखों में दिखाई देता है हमको, जो कलर वाला जो हिस्सा रहता है वो प्यूपिल इरिस होता है। इट कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ द लाइट इंटरिंग इन इट। ये क्या करता है, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट हमारी आंखों में इंटर कर रही है उसके बेस पे। नेक्स्ट है लेंस। लेंस क्या होता है, द लेंस विद द हेल्प ऑफ द कोरोना रिफ्रैक्ट लाइट फोकस्ड ऑन द रेटिना देयर फॉर क्रिएटिंग इमेज ऑन इट। जो लेंस जो होती है वो क्या करती है, रेटिना पे जो इमेज बन रही है लाइट से उसको कैप्चर करने का काम करती है। अब रेटिना क्या होता है, इट इज अ लेयर प्रेजेंट एट द बैक ऑफ द आई वेयर ऑल द इमेज आर फॉर्म्ड। रेटिना वो जगह होती है हमारी आंखों में पीछे का जो वो हिस्सा होता है जहाँ पे सारी जो इमेजेस है वो बनती है, यानी कि हमारी आंखों में जो इमेज बनती है, जो भी चीज़ें हमको दिखाई देता है वो कहाँ पे बनती है, इमेज रेटिना पे। ऑप्टिक नर्व, इट कैरीज ऑल द नर्व इम्पल्सिस टू द ब्रेन। ये क्या करती है, सारे जो नर्व के जो इम्पल्स होते हैं उसको ब्रेन के पास पहुँचाती है। प्यूपिल, इट अलाउज लाइट टू इंटर द आई। प्यूपिल क्या करता है, हमारी आंखों में रोशनी आने के लिए अलाउ करता है। अब ये सारी चीज़ें हो गई, ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो गए हमारी आई के। अब हमको हमारी आई की केयर किस तरीके से करना चाहिए, यानी आंखों की देखरेख हमको किस तरीके से करना चाहिए उसके बारे में बताया। वॉश योर आईज विद अ कोल्ड एंड क्लीन वाटर एवरी डे। आपको आपकी आंखों को ठंडे और साफ पानी से डेली धोना चाहिए। बोथ एवरी ब्राइट लाइट एंड द डिम लाइट आर हार्मफुल टू योर आईज। बहुत ज़्यादा लाइट और बहुत ज़्यादा डिम लाइट, ये दोनों ही आपकी आंखों के लिए हार्मफुल हो सकती है। सो डू नॉट रीड द डिम और वेरी ब्राइट लाइट। तो आप ज़्यादा डिम लाइट में या फिर ज़्यादा ब्राइट लाइट में भी नहीं देखें या फिर उसमें पड़े भी नहीं। ऑलवेज रीड वाइल सिटिंग इरेक्ट। आप हमेशा जब भी पढ़े तब सीधे बैठ के पढ़े बिल्कुल। रीडिंग वाइल लाइंग विल स्ट्रेन योर आईज।
योर आईज गेट सोर इफ यू वॉच अ कंप्यूटर और अ टेलीविजन स्क्रीन फॉर अ टू लॉन्ग, सो डू नो डू लॉट्स ऑफ द डिफरेंट थिंग्स इन योर स्पेयर। जब भी आप क्या करें, कंप्यूटर चलाए या फिर टीवी वगैरह देखे, तो उस टाइम पे अगर आप कंटिन्यूस अगर वॉच करते हैं तो उससे आपकी आंखें जो है वो खराब हो सकती है। इसलिए आप क्या करो, बीच बीच में स्पेस दें या फिर कम समय के लिए देखें। लुकिंग डायरेक्टली एट द सन विल डैमेज योर आइज, सो डू नॉट लुक एट द सन डायरेक्टली। अगर आप सन को डायरेक्टली देखते हैं तो उससे आपकी आंखें खराब हो सकती है, इसलिए कभी भी हमको सन को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। रबिंग योर आइज आई इफ यू गेट समथिंग इन इट कैन हर्ट योर आई। अगर आपकी आंखों में कुछ गिर जाता है और अगर आप आपकी आंखों को मसलते हैं बार बार, तो उससे भी आपकी आंखों में दर्द हो सकता है। आस्क एन एडल्ट टू हेल्प यू और वॉश आई विथ योर वाटर अंटिल इट फील्स बेटर। अब क्या करें, अगर आपकी आंखों में कुछ गिर जाए तो आप आपके बड़े को इस चीज़ के बारे में बताएं या फिर उनकी हेल्प से उस अपनी आंखों को वॉश करें ताकि आपको बेटर फील हो सके। फैक्टाफाइल, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द आई इज जस्ट लाइक अ फोटोग्राफिक कैमरा। द लेंस ऑफ द आई फोकस लाइट रेज ऑन द रेटिना इन द सेम मैनर इन एज द लेंस ऑफ द कैमरा फोकस द लाइट रेज ऑन द फिल्म। डायफ्राम्स ऑफ द कैमरा एक्ट द प्यूपिल लाइक द प्यूपिल ऑफ द आई। क्या होता है, जिस तरीके से आपका फोटोग्राफिक कैमरा वर्क करता है, सेम उसी तरीके से आपकी आंखें जो है वो भी वर्क करती है। अब नेक्स्ट आता है हमारा द ईयर। तो ईयर यानी कि कान, कान के बारे में हम पढ़ लेते हैं। द ईयर इज मेड अप ऑफ थ्री डिफरेंट पार्ट्स, द आउटर ईयर, द मिडिल ईयर एंड द इनर ईयर। हमारा कान जो है वो तीन पार्ट से बना हुआ है। कौन कौन से? आउटर ईयर यानी कि बाहर के साइड का कान, मिडिल ईयर यानी कि बीच का, और इनर यानी कि अंदर का। ऑल दिस वर्क टुगेदर टू कलेक्ट साउंड एंड सेंड टू द ब्रेन। ये तीनों ही पार्ट जो है ये साथ में वर्क करते हैं और साउंड को कलेक्ट करके ब्रेन तक पहुंचाते हैं। द आउटर ईयर, द आउटर ईयर का काम क्या है? द आउटर ईयर इज मेड अप ऑफ द पीना और ऑरिकल एंड द ईयर कैनल। हमारा जो आउटर ईयर है वो किससे बना हुआ है? पीना, ऑरिकल और ईयर कैनल से बना हुआ है। द पीना कलेक्ट साउंड एंड सेंड इट टू द ईयर कैनल। जो पीना जो होता है वो साउंड कलेक्ट करते हैं और उसको कहाँ तक? ईयर कैनल तक साउंड को पहुँचाते हैं। नेक्स्ट है हमारा मिडिल ईयर। मिडिल ईयर क्या होता है? द मिडिल ईयर इज एन एयर फिल्ड केविटी डेट डिलीवर साउंड टू द इनर ईयर। जो मिडिल ईयर जो होता है वो क्या करता है, साउंड को इनर ईयर तक डिलीवर करता है। द मिडिल ईयर इज सेपरेटेड फ्रॉम द आउटर ईयर बाय द एयर ड्रम। जो मिडिल ईयर होता है वो इनर एयर से सेपरेट यानी कि अलग होता है एयर ड्रम की मदद से। साउंड हीट द एयर ड्रम मेकिंग इट वाइब्रेट। साउंड जो है वो जाके किससे टकराता है? एयर ड्रम से टकराता है और वहाँ पे क्या करता है, उसको वाइब्रेट करता है। द इनर ईयर, अब द इनर ईयर क्या होता है? द वाइब्रेशन फ्रॉम द मिडिल ईयर चेंज इन टू नर्व सिग्नल्स इन द इनर ईयर। जो वाइब्रेशन मिडिल ईयर से इनर ईयर तक पहुँचे हैं नर्व सिग्नल, वो किस में चेंज हो जाते हैं? नर्व सिग्नल में चेंज होते हैं। दिस सिग्नल्स ट्रेवल टू द ब्रेन अलोंग द ऑडिटरी नर्व। ये जो नर्व सिग्नल है ये कहाँ पर ट्रेवल होते हैं? ब्रेन तक पहुँचते हैं और किसके? ऑडिटरी नर्व की हेल्प से। केयर ऑफ ईयर्स यानी कि अब हमको हमारे कान को किससे सुरक्षित रखना चाहिए उसके बारे में बताया। क्लीन योर ईयर्स बाय यूजिंग कॉटन बड्स। आपको आपके कान को कॉटन बड्स के हेल्प से साफ करना चाहिए। बी केयरफुल नॉट टू इंसर्ट द कॉटन बड्स टू डीप। अब जब आप कॉटन बड्स से साफ करें तब आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि कॉटन बड्स को ज़्यादा अंदर की तरफ नहीं डालें। पुट सम ऑयल ऑन द टिप ऑफ द कॉटन बड एंड जेंटली क्लीन योर ऑरिकल्स। अब आप क्या करो, कॉटन बड के ऊपर थोड़ा सा तेल लगा दो और उसके बाद आपके कान को साफ करो तो ज़्यादा अच्छे से हो जाएंगे। नेवर इंसर्ट एनी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट सच एज मेजिक स्टिक और हेयर पिन इनसाइड योर ईयर ड्रम। अब कान
कभी भी आप कोई सी भी पॉइंटेड चीज़ जैसे कि मैच स्टिक हुआ है ना, हेयर पिन हुए, इनको आप कभी भी एयर ड्रम में नहीं डालें। आस्क योर पेरेंट्स टू क्लीन योर ईयर्स, अगर आप छोटे हैं तो आप आपके पेरेंट्स को बोले वो आपके ईयर को साफ करें। नेक्स्ट आता है हमारा नोस। नोस किस चीज़ में काम में आता है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। द वी ब्रीथ थ्रू आवर नोस, हम सांस जो लेते हैं वो हमारे नाक की हल्क से लेते हैं। इट इज़ एन ऑर्गन ऑफ स्मेल, ये किसका ऑर्गन है, स्मेल का। द इनर पोर्शन ऑफ द नोस इज होलो, जो हमारे अंदर की साइड का जो पोर्शन होता है नाक का वो कैसा रहता है, होलो यानी कि खाली रहता है। इट इज़ कॉल्ड द नेसल कैविटी, इसको क्या कहते हैं, नेसल कैविटी कहते हैं। अ थिन वॉल कॉल्ड द सेप्टम डिवाइड्स द नेसल कैविटी इंटू टू नोस्ट्रिल्स, जो एक थीन वॉल होती है हमारे नेसल कैविटी में बीच में, जिसको सेप्टम कहते हैं, वो क्या करती है हमारी नेसल कैविटी को दो पार्ट में डिवाइड करती है, जिसको नोस्ट्रिल कहते हैं। द सेंसरी नर्व्स इज इन द नेसल कैविटी कैरी द सेंसेशन ऑफ स्मेल टू द ब्रेन, हमारे नेसल कैविटी में सेंसरी नर्व्स होती है जो कि क्या करती है, सेंसेशन ऑफ स्मेल ट्रांसफर करती है ब्रेन को। द ब्रेन सेंस द स्मेल, और ब्रेन उस सेंस को क्या करता है, सेंस ऑफ स्मेल जो होता है उसको रीड करता है। आपने देखा होगा ना, कोई सी भी आप चीज़ को सूंघते हैं तो वो कोई सी चीज़ अच्छी आपको लगती है, कोई सी चीज़ बुरी लगती है, तो वो सब कौन बताता है, ब्रेन बताता है। केयर ऑफ द नोस, अब आपको नोस की केयर किस तरीके से करना है। डू नॉट पुट योर फिंगर्स और पेंसिल इन टू द नोस्टिल, जो नोस्टिल से आपके उनके अंदर आप आपकी फिंगर्स या फिर पेंसिल वगैरह नहीं डालें, इससे वो डैमेज हो सकते हैं। यूज़ नेसल ड्रॉप्स और इनहेल स्ट्रेम टू क्लीन ब्लॉक्स नोस, अब आपको मान लो सर्दी से आपकी नोज जो है वो ब्लॉक अगर हो गए तो आप नेसल ड्रॉप का यूज़ करें। नेवर ब्लो हार्ड व्हेन यू आर सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, अब आप जब को आपको सर्दी लगे तो ज़्यादा जोर से भी आप नहीं छींके। कवर योर नोज विद द हैंडकरचीफ्स वाइल स्नीजिंग, जब भी आप छींक करें तो रुमाल से आपके नाक को ढकें। नेक्स्ट हमारा आता है टंग। अब टंग क्या होती है यानी कि जीभ, वो किस चीज़ में काम आती है उसके बारे में पढ़ते हैं। द टंग इज़ अ ऑर्गन ऑफ टेस्ट, टंग किसका ऑर्गन है, टेस्ट का। इट आल्सो हेल्प अस स्पीक, ये हमारे को बोलने में भी मदद करती है क्योंकि बिना टंग के हम बोल ही नहीं पाते। द सर्फेस ऑफ द टंग इज कवर्ड विद द टेस्ट बड्स विच आर सेंसिटिव टू केमिकल्स इन फूड, देखो हमारा जो अपर पार्ट होता है टंग का, जो सरफेस जो होती है वो किससे कवर रहती है, टेस्ट बड से कवर रहती है, जो कि हमको टेस्ट कोई सी भी चीज़ को टेस्ट करने में मदद करती है। दिस सेंसेशन आर कैरीड टू द ब्रेन वेयर टेस्ट इज इंटरप्टेड, ये जो सेंसेशन होता है ये कहाँ ट्रांसफर होते हैं, ब्रेन को ट्रांसफर होते हैं। द नर्व्स इज अ टेस्ट बड्स कैरी फोर मेन टेस्टेस, श्योर स्वीट बिटर एंड साल्टी, ये जो टेस्ट बड्स होता है ये तीन तरीके की सेंसेशन ब्रेन को ट्रांसफर करता है, कैसे, खट्टा, मीठा, चरखा और फीका। दिस टेस्ट आर डिटेक्टेड बाय द सरफेस ऑफ द टंग, ये जो टेस्ट है ये किसके द्वारा डिटेक्ट किए जाते हैं, हमारी जो टंग की जो अपर सरफेस जो होती है उसके द्वारा। नेक्स्ट आता है स्किन। स्किन क्या होता है, द स्किन इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द बॉडी, स्किन हमारे जो ऊपर के जो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है जिससे हमारी बॉडी कवर रहती है वो क्या कहलाती है, स्किन। इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है। इट हेल्प अस टू नो द सेंसेशन ऑफ टच, हीट और प्रेशर, इससे हमको काय का सेंसेशन मिलता है, किसी भी चीज़ को जब हम टच करते हैं तो वो कैसा है उसके बारे में, हीट के बारे में और प्रेशर के बारे में। अवर स्किन टेल अस वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड, स्मूथ और रफ, हार्ड और सॉफ्ट, ड्राई और वेट, हमारी स्किन जो होती है वो हमको बताती है कि कोई सा ऑब्जेक्ट किस तरीके का है, चाहे वो गर्म हो, ठंडा हो, या फिर रफ हो, या फिर स्मूथ हो, हार्ड हो, सॉफ्ट हो, ड्राई हो, या फिर वेट हो, गीला हो या फिर सूखा हो, उसके बारे में हमारी स्किन ही हमको बताती है कि किस तरीके का ऑब्जेक्ट है। दीज आर द पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन, हमारी जो स्किन जो होती है उस पर पोर्स होते हैं यानी कि छोटे छोटे छेद होते हैं।
दे अलाउ स्वीट टू कम आउट ऑफ द बॉडी, ये क्या करते हैं, स्वीट यानी कि जो पसीना होता है हमारे शरीर के अंदर उसको बाहर निकलने में हेल्प करते हैं। द स्किन कॉन्सिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। हमारी जो स्किन जो होती है वो दो पार्ट से बनी हुई रहती है, पहला है एपिडर्मिस और दूसरा है डर्मिस। द एपिडर्मिस इज द अपर पार्ट विच इज विजिबल। एपिडर्मिस जो होती है, जो ऊपर का जो हिस्सा जो हमको दिखाई देता है स्किन में, वो क्या कहलाता है, एपिडर्मिस कहलाता है। द डर्मिस लाइज बिलो द एपिडर्मिस एंड इट इज़ नॉट विजिबल। और डर्मिस जो होता है वो एपिडर्मिस के नीचे होता है जो कि हमको दिखाई नहीं देता है। द डर्मिस हैज़ ब्लड वेसल्स एंड नर्व एंडिंग। हमारा जो डर्मिस जो होता है उसमें ब्लड वेसल्स रहती है। सम नर्व एंडिंग्स रिस्पॉन्ड टू प्रेशर, सम रिस्पॉन्ड टू टेम्परेचर एंड अदर रिस्पॉन्ड टू प्लेंस। उसमें नर्व एंडिंग्स भी होते हैं और ये क्या करते हैं, ये कुछ जो नर्व एंडिंग्स जो होती है वो क्या करती है, प्रेशर को रिस्पॉन्ड करती है, कुछ जो होती है वो टेम्परेचर को रिस्पॉन्ड करती है, और कुछ जो होती है वो पेन को रिस्पॉन्ड करती है। ये आप देख सकते हैं स्किन का डायग्राम दिया हुआ है, इस तरीके की स्किन होती है आपकी। अब केयर ऑफ स्किन, हमको हमारी स्किन की केयर कैसे करना चाहिए। क्लीन द स्किन डेली विद द सोप एंड वाटर। हमको हमारी स्किन को डेली साबुन से और पानी से धोना चाहिए। टेक अ बाथ एवरी डे, हमको डेली नहाना चाहिए। ड्राई योर स्किन विद अ क्लीन टॉवल आफ्टर बाथिंग, जब भी आप नहाएं तो उसके बाद में आपकी स्किन को साफ कपड़े से पोंछ लें। ऑलवेज क्लियर वियर क्लीन क्लोथेस, हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहने। क्लोथेस शुड नॉट बी टाइट, टाइट क्लोथेस प्रिवेंट द पासेज ऑफ फ्रेश एयर। हमको ज़्यादा टाइट कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है, जो फ्रेश एयर जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होती है वो पहुँच ही नहीं पाती है, इसलिए हमको ज़्यादा टाइट कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। एनी वाउंड शुड बी ट्रीटेड प्रॉपरली टू चेक इन्फेक्शन। अगर हमारी स्किन में किसी तरीके का इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो हमको उसको चेक करना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए।